दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं MSI B450A Pro Max 2 का फुल रिव्यू। ये मदरबोर्ड को मैं 3 महीने से यूज कर रहा हूँ अपने पीसी में, जो आप पीछे देख सकते हो। और 3 महीने का जो मेरा रिव्यू है, जो एक्सपीरियंस है, इसमें क्या फीचर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। और B450 मदरबोर्ड है तो उसको क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके क्या स्पेशल फीचर है। इसमें एक बहुत कमाल का फीचर है जो बाकी B450 में नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना ही चाहिए ताकि आप सही मदरबोर्ड ले सकें। अगर आपका पुराना मदरबोर्ड बिगड़ चुका है B450 का ही, तो आपको नया लेना है तो अगर आप डिसाइड करो तो ये मदरबोर्ड पे ध्यान तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये है MSI का। तो ये जो मदरबोर्ड है, ये जैसा मैंने बताया 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने लिया था अमेजोन से 4,300 रुपये का। अब ये जो मदरबोर्ड है, इसमें एक कमाल का फीचर ये है जो कि इसका सबसे बेस्ट फीचर है, जिसके लिए ही मैंने इसको लिया। यही एक ऐसा B450 बोर्ड है सस्ते प्राइस में, जिसका मैं भी और ये मैन्युफैक्चर भी यानी MSI गारंटी लेता है कि इसमें आपको सभी AMD राइजन के सभी जनरेशन के प्रोसेसर जो AM4 बेस्ड है वो सब इसमें सपोर्टेड है। इस सस्ते 4,000 मदरबोर्ड वाले में सभी AMD के राइजन CPU चल जाएंगे। मैं जो चला रहा हूँ वो है AMD का राइजन 3 1200 इसमें। और अगर आप जो है वो यूज्ड PC बिल्ड कर रहे हो तो भी आप जो है वो इस मदरबोर्ड पे नज़र डाल सकते हो, जो कि A Pro Max 2 है MSI की तरफ से। इसमें आप यूज्ड कंपोनेंट ले सकते हो और आपको बिना BIOS के टेंशन के आप पुराना फर्स्ट जनरेशन लगाओ, फिर थर्ड जनरेशन लगाओ, फिर 5000 सीरीज लगाओ, जो लगाना है वो आप लगा सकते हो। ये उनके लिए होगा जो यूज्ड PC बिल्ड कर रहे हैं या जिनका पुराना B450 मदरबोर्ड ख़राब हो गया और वो फर्स्ट जनरेशन पे। अब हम इसके जो न्यू यूजर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इस मदरबोर्ड के सबसे पहले मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो ये मदरबोर्ड में आपको मिल जाएंगे 2 RAM स्लॉट्स जो कि अप टू 64 GB रैम सपोर्ट करते हैं DDR4 में, और इसमें आप 4200 MHz तक ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो अपनी रैम को। 4133 MHz तक की ये बोर्ड जो है वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। इसमें आपको M.2 स्लॉट मिल जाता है जो NVMe भी सपोर्ट करता है और M.2 SATA फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको एक PCIe Gen 3.0 का X16 स्लॉट मिलता है जिसमें आप ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हो और जो गेम्स का मज़ा ले सकते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए भी कर सकते हो। AM4 सॉकेट है तो AMD Ryzen फर्स्ट जेन टू लास्ट 5000 सीरीज जो है वो सभी सब APU बिना GPU वाला CPU और APU दोनों ही इसमें आराम से चल जाएंगे। इसमें जो है पुराने जो वर्जन था उसके कंपैरिजन में इसका जो ओवरऑल लेआउट है मदरबोर्ड का वो ज़्यादा अच्छा है। इस मदरबोर्ड में आपको पूरा ब्लैक PCB लेआउट मिल जाता है, यानी जो मदरबोर्ड है वो ब्लैक कलर का है, जैसे हाई एंड टोमाहॉक मदरबोर्ड्स होते हैं। जो पहले वाला मदरबोर्ड था वो ब्राउन कलर के होते थे। जो मेरा जो पुराना मदरबोर्ड था वो था MSI का B450M Pro M2 Max था। अब मैं A Pro Max 2 में आया, तो इसमें जो है वो वर्जन 2 है, तो इसमें आपको फुल ब्लैक PCB लेआउट मिल जाता है। इसमें जो कॉइन बैटरी है, जो CMOS बैटरी, वो पुराने मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड के जस्ट नीचे होती थी, तो अगर आपका BIOS फेल हो जाता था और आपको BIOS रीसेट करना पड़ता था तो पहले ग्राफिक कार्ड निकालो फिर CMOS बैटरी निकालो, तो वो बहुत हेडेक वाला काम होता था, जो मेरे मदरबोर्ड में भी था पुराने में। लेकिन इस मदरबोर्ड में लेआउट अपडेटेड है, तो अब इन्होंने क्या किया, जो CMOS बैटरी है उसको ग्राफिक कार्ड के जस्ट नीचे वाले पोजिशन से हटा के ऊपर पोजिशन पर कर दिया, जहाँ आप बिना कोई कंपोनेंट को हटाए आराम से डायरेक्ट CMOS बैटरी हटा सकते हो। और अगर आप ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो और वो फेल हो गई, तो आप आराम से CMOS को रिमूव करके BIOS को रीसेट कर सकते हो। तो ये लेआउट चेंजेस उसमें बहुत बढ़िया दिए गए हैं। 4 SATA स्लॉट्स मिल जाते हैं, 2 आपको ऐसे L शेप में मिलेंगे और बाकी 2 नॉर्मल मिलेंगे, और दोनों की पोजिशनिंग अलग है, एक इस साइड में है और एक दूसरे साइड में, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो आपको लेआउट के मामले में काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है ये। इसमें आपको सिर्फ 4-पिन CPU कनेक्टर मिल जाता है, जो कि मेरा पुराना मदरबोर्ड था उसमें 8 था, लेकिन वैसे भी वो ये मदरबोर्ड जो है वो 8-पिन वाले CPUs के लिए है ही नहीं। इसमें कोई Ryzen 9 नहीं लगाएगा, Ryzen 7 नहीं लगाएगा,
राइजन 3 और 5 के लिए ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप राइजन 7 के या राइजन 9 तक जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको ऐसा मदरबोर्ड चाहिए जिसमें VRM की हीट सिंक हो। इस मदरबोर्ड में VRM हीट सिंक नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है, पर अब क्या करें, अब इस 4000 के प्राइस में हम ज़्यादा मांग भी नहीं सकते, क्योंकि 4000 के प्राइस में जो कॉम्पिटिटर है वो है ASRock का B450, उनका जो है रिविजन 4.0 वाला, पर उसमें भी हीट सिंक नहीं है। तो हीट सिंक थोड़ा प्रीमियम मदरबोर्ड्स में आते हैं, मदरबोर्ड तो इन्होंने अच्छा बनाया पर इसमें हीट सिंक नहीं है। और एक और इसमें जो खास इसका फीचर मुझे लगा जो पहले जनरेशन में नहीं था, वो ये है कि पहले का जो मदरबोर्ड था उसमें आपको जो है वो VRM के टेम्परेचर सेंसर्स नहीं मिलते थे, लेकिन इस इन्होंने VRM टेम्परेचर सेंसर्स दिए। तो अगर आप HW इन्फो या जो जो हार्डवेयर मॉनिटरिंग टूल्स है उसमें आप जाओगे HW इन्फो में, तो आपको VRM टेम्परेचर्स मिल जाएंगे उसके अंदर। इसके VRM टेम्परेचर्स यूजुअली जो है वो 85 से 95 के बीच में रहते हैं, उससे ऊपर मैंने जाते हुए देखा नहीं, पर जितना मैंने इसको नोटिस किया है इसके मदरबोर्ड टेम्परेचर्स 85 टू 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और इस बार मैंने कोई ओवरक्लॉकिंग भी नहीं की, ओवरक्लॉकिंग पोटेंशियल है इसमें, लेकिन क्योंकि मेरा मदरबोर्ड पुराना वो ओवरक्लॉकिंग के वजह से थोड़ा जल्दी डाई आउट हो गया था, तो इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया मैं बिना ओवरक्लॉकिंग के ही जो है वो मदरबोर्ड को चलाऊंगा उसके डिफॉल्ट स्पीड्स पे, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग, ये सही बात है कि ओवरक्लॉकिंग मदरबोर्ड की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा, और आपके कंपोनेंट से जो VRMs है अगर उड़ गए बर्नआउट तो मदरबोर्ड पूरा फेल हो ही जाएगा, फिर आउट ऑफ वारंटी में तो आपका समझो कुछ होने वाला है नहीं, तो इसलिए ओवरक्लॉकिंग मैं रेकमेंड अब नहीं करता। इसमें आपको Realtek का ऑडियो कंट्रोलर मिल जाता है, इसमें सिनो पावर के SM4337 वाले ही शायद इसमें जो है वो VRM का जो MOSFETs है वो दे रखे है, और इसमें आपको 2.5 गीगाबिट का Realtek का LAN मिल जाता है। पहले वाले में मेरा शायद 1 गीगाबिट था, इसमें 2.5 गीगाबिट है, तो एक और इसमें ये फ़ायदा है कि 2.5 गीगाबिट का आपको LAN मिल जाता है, और इसमें आपको 4 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं बैक साइड में, और 2 USB 2.0 का, तो 6 USB पोर्ट्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएंगे, और इसमें आपको HDMI और DVI-D मिल जाता है। तो M.2 में 32 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड ये सपोर्ट करता है, मिल जाता है। 8 चैनल ऑडियो है इसमें, 7.1 का HD ऑडियो मिल जाता है आपको, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस बोर्ड की जो कि इसको काफ़ी अच्छा बना देती है, और ये पुराना बोर्ड नहीं है, B450 हालांकि थोड़ा पुराना हो चुका है, पर ये जो बोर्ड है 2024 में लॉन्च हुआ था, तो उस मामले में ये काफ़ी रीसेंट है, रीसेंट रिविजन है, रीसेंट वर्जन है, जो भी आप कह सकते हो, तो रीसेंट बोर्ड है, पुराना बोर्ड तो नहीं है, वर्जन 2 है। लेआउट में जो इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, अब हमें VRM के जो टेम्परेचर सेंसर्स मिल गए हैं, तो आप अपने VRMs को मॉनिटर कर सकते हो। तो ओवरऑल 5000 के नीचे आपको इससे अच्छा B450 अभी नहीं मिलेगा, जो कि राइजन फर्स्ट से 5000 सभी APU और CPU का सपोर्ट करता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा अपग्रेड पाथ चाहिए या पुराना बोर्ड ख़राब हो चुका है तो मैं यही रेकमेंड करूंगा। इसका लिंक मैं Amazon का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, अगर आप उससे लोगे तो चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा आपका। और मैंने भी इसको Amazon से ही लिया था, तो Amazon से यूनिट जो है, एक और चीज़ बताता हूं, जो पहले वाला मैंने मदरबोर्ड था वो मैंने लिया था वेदांत कंप्यूटर्स से, वो मदरबोर्ड था MSI का B450 प्रो M2 मैक्स, लेकिन उसमें जो थी कि उसमें सील ओपन थी, इसमें जो है मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखी है, इसमें आपको सील मिल जाएगी, ये सील नहीं थी, ऊपर से बॉक्स के अंदर जो मदरबोर्ड की जो स्टैटिक बैग होता है प्लास्टिक का, वो भी वेदांत कंप्यूटर्स में ओपन थी, जबकि मैंने उनको बोला था मुझे बायोस अपग्रेड नहीं चाहिए, मैंने ऑर्डर के कमेंट बॉक्स में लिखा था मदरबोर्ड को खोलना नहीं और बायोस अपडेट नहीं करना है, मुझे फुल सील्ड पैक ही बोर्ड चाहिए, लेकिन अब उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है उन्होंने टेस्ट बेंच में ही मदरबोर्ड यूज़ किया हो किसी और के लिए और वही मुझे दे दिया, अब उनको तो निकालना ही, लेकिन ये सब से मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि मुझे तो सील्ड पैक ही चाहिए, सस्ता बोर्ड था तो इतना बड़ा इशू मैंने नहीं किया, लेकिन अगर कोई महंगा बोर्ड ले, 15-20 हज़ार के भी मदरबोर्ड्स आते हैं, और आप ऐसा मदरबोर्ड अगर बाहर शॉप से लो ऑनलाइन जो दूर है, तो भाई शॉप से लेने से अच्छा तो अमेज़ॉन से ही ले लो, कम से कम सील्ड पैक तो आपको मिलेगा, शॉप वाले क्या करे,
नहीं पता। अगर आपको शॉप से लेना ही है तो डायरेक्ट वहां पे जाके लो। अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो अमेजोन से ही मंगाना ठीक है, फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो रिटेल नेट सेलर है उसी से लेना, ये दो ट्रस्टेड है। तो अमेजोन से लोगे तो आपको ये जो है ये प्रॉपर सील के साथ मिलेगा, और अंदर भी जो इलेक्ट्रिक वो एंटी स्टैटिक बैग है उसमें भी आप जो बैग था वो सील्ड था, तो वो सब आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में मिल जाएगी। तो ओवरऑल अच्छा मदरबोर्ड है, मैं इसको रेकमेंड करता हूँ, और इसकी जो रेटिंग है मैं अपने तरफ से इसको 4.5 स्टार्स दूंगा। अपने तरफ से मैं इसको 4.5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि मैंने अब तक ऐसा कुछ कमी इसमें ऐसा महसूस नहीं की कि मैं इसके स्टार्स और घटाऊं। तो 4.5 दे रहा हूँ। अगर हल्की सी भी होती ना वीआरएम हीट सिंक तो भी मैं 5 out of 5 दे ही देता, लेकिन इसमें वीआरएम हीट सिंक नहीं है तो इसलिए मैं 4.5 स्टार दे रहा हूँ। बाकी आप ये मदरबोर्ड ले रहे हो नहीं ले रहे, या क्या आपके मन में चल रहा है, कौन से मदरबोर्ड के साथ कंफ्यूज हो रहे हो, किस मदरबोर्ड के साथ मैं इसको कंपेयर करके वीडियो बनाऊं, वो सब अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी है, सवाल है जवाब कुछ भी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग पीसी रिलेटेड टेक गैजेट्स अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।